माँ यशोदा को आकर के सूचना दी है, माँ श्याम सुंदर काली धनी कूद पड़े। तो माँ यशोदा भागी और माँ यशोदा जिस समय यमुना में कूदने के लिए भागी है तो बलराम ने पकड़ लिया और कहा, माँ यमुना में न कूदो, कृष्ण अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा। और उधर भगवान जब काली जय के अंतरिक्ष में पहुंचे है तो क्या देखा, कालिया नाग सो रहा है, नागनिया जाग रही है। और जो एक नागनी ने श्याम सुंदर की तरफ देखा तो आपस में बात करने लगी, बहन देखो किसी का कितना छोटा सा बच्चा भागता हुआ आ रहा है। दूसरी कहने लगी, इसलिए तो सौभाग्य है जो हमारे पति सो रहे हैं। तीसरी कहने लगी, तुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं है, अगर हमारा पति जगे तो उनकी सांस में तेरा सांस का अंत हो जाएगा, पीछे लौट जा। भगवान कहने लगे, नागनिया तू जिसकी रागनी सुना रही है मैं तो उसी के पास आया हूँ। और भगवान बोले, समय भगवान ने कालिया नाग की पूंछ पर पैर